हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों, रोज की तरह आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार संभव। तो यहां पर हम रोज मिलते हैं और रोज करंट अफेयर्स को कुछ इस अंदाज में करते हैं कि आने वाले सभी एग्जाम्स में हमें एटमोस्ट बेनिफिट हो। तो यहां पर हम न्यूज को सेगमेंट्स में बांट कर करते हैं, जैसे नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, बिजनेस, फाइनेंस की खबरें, बैंकिंग की खबरें, अपॉइंटमेंट की बातें, खेल के दुनिया की बातें, तमाम उन खबरों के ऊपर निगाह रखते हैं जो आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस के तौर पर आ सकते हैं। और अंत में आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ क्विज भी होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में, कि आपको एज इट इज ये क्वेश्चन जो है पेपर में इसी अंदाज में मिल जाए। तो इसी के साथ मैं अपने अंदाज में आप सभी को विश करूंगा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और चलते हैं इस खूबसूरत सफर की तरफ, जहां पे हमें करंट अफेयर्स को कुछ अपने ही अंदाज में करना है, समझना भी है और क्विज सेशन के साथ इसे रिवाइज भी करना है। तो समय को जाया नहीं करेंगे और चलेंगे पहले सेगमेंट की तरफ, दैट इज नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय खबरें। और पहली खबर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण टू बी हेल्ड इन उत्तराखंड। मजबूत होंगे भारत नेपाल के संबंध, 30 मई से दोनों देशों के बीच होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। देखिए, कोई भी दो देश या दो से ज्यादा देश जो है आपस में आर्म्ड फोर्सेस की एक्सरसाइज करते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज, ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज, जिसका एक कोड नेम दे दिया जाता है और वो कोड नेम जो है हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहां पर भारत और नेपाल के बीच में काफी सालों से संयुक्त सैन्य अभ्यास ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चली आ रही है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सूर्य किरण। और इस एक्सरसाइज के डिटेल में थोड़ा जाते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्यकरण 13, देखिए जैसा मैंने बताया काफी सालों से, तो 13th एडिशन है ये, 13वां एडिशन ऑफ सूर्यकरण बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड एट पिथौरागढ़ उत्तराखंड। द एक्सरसाइज विल कंप्राइज ऑफ नियरली 300 सोल्जर्स, 300 सैनिक इसमें भाग लेंगे फ्रॉम बोथ इंडिया एंड नेपाल आर्मी, हु वुड बी शेयरिंग देयर experiences gained during the conduct of various counter insurgency and counter terrorism operation in the past. तो यहां पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है वो साझा करेगी, जिसके साथ काउंटर टेररिज्म मतलब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए उनको मदद मिलेगी। एक्सरसाइज सूर्य किरण इज अ बाय एनुअल इवेंट, तो हर दो वर्ष के बाद ये इवेंट होता है, विच इज कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन नेपाल एंड इंडिया। तो ये अल्टरनेटिवली मतलब हर दो वर्ष के बाद ये इवेंट किया जाता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण। तो एक बार नेपाल में होता है, एक बार भारत में होता है, तो लास्ट टाइम ये नेपाल में हुआ था और इस बार ये भारत में होगा। द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू कंडक्ट बटालियन लेवल ज्वाइंट ट्रेनिंग विद एम्फेसिस ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन माउंटेनियस टेरेन। तो यहां पर ये जो पर्वतों का एरिया है, उन एरिया के अंदर टेररिज्म के विरुद्ध लड़ाई करना ही एक मेन एम है इस सूर्य किरण एक्सरसाइज का, अभ्यास का। तो आपको क्या याद रखना है, इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 13th एडिशन कहां पर हो रहा है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर। अब यहां पर दो नाम आए हैं, वन इज नेपाल, अनदर इज उत्तराखंड। तो क्विक फैक्ट्स ऑफ नेपाल एंड क्विक फैक्ट्स ऑफ उत्तराखंड जल्दी से कर लेते हैं, फिर अगली खबर की तरफ चलेंगे। नेपाल की कैपिटल इज काठमांडू, करेंसी इज नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल इज विद्या देवी भंडारी और पीएम ऑफ नेपाल इज केपी शर्मा ओली। एंड क्विक फैक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। उत्तराखंड कब एग्जिस्टेंस में आया था, यूपी से निकला था 2000 में, वर्ष 2000 में उत्तराखंड एग्जिस्टेंस में आया। इसकी कैपिटल इज देहरादून और गवर्नर का नाम कृष्णकांत पॉल, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में है। राजा जी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये कहां पर सिचुएटेड है, उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और अब चलते हैं हम अगली खबर की तरफ, नेशनल न्यूज की, राष्ट्रीय खबर की अगली खबर, इंडिया टू होस्ट द आशियान इंडिया फिल्म फेस्टिवल। आशियान इंडिया फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा भारत। तो आशियान इंडिया के रिश्ते के 25 वर्ष हो चुके हैं। देखिए, इस वर्ष जो रिपब्लिक डे हुआ था, गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी, उसमें मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट जो बुलाए जाते हैं, तो अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया जाता है। तो इस बार हमारे 26 जनवरी के फंक्शन में आसियान देशों के मुख्य अतिथि के तौर पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो हमारे इंडिया पधारे थे एज अ चीफ गेस्ट। तो क्यों, क्योंकि भारत और
आसियान, इंडिया आसियान, आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक संगठन का नाम है, उनके दोनों के रिलेशन के 25 इयर्स हो चुके हैं, सिल्वर जुबली रिलेशन जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया और आसियान जो है इस साल फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी भी करेगा, जो कहां पर होगा, इंडिया में होगा, न्यू दिल्ली में होगा। तो इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइजिंग द आसियान इंडिया फिल्म फेस्टिवल इन दिल्ली फ्रॉम 25 to 30 मई 2018, आज से ही शुरू होगा और 30 मई तक ये जाएगा, सेलिब्रेटिंग कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ आसियान इंडिया रिलेशन, जहां पर 25 वर्ष भारत और आसियान रिलेशन के मनाए जाएंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसी इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर विल इनॉग्रेट द फिल्म फेस्टिवल इन सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम ऑन 25 मई 2018। तो यहां पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर खेल मंत्री तो है, उसके अलावा वो INB के मिनिस्टर भी है, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी है, और ये कहां पर उद्घाटन करेंगे, सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया जाएगा। टैगलाइन ऑफ द फेस्टिवल इज प्रपोज टू बी फ्रेंडशिप थ्रू फिल्म, और टैगलाइन या थीम या विषय क्या रहेगा इसका, तो फ्रेंडशिप थ्रू फिल्म। ड्यूरिंग द फेस्टिवल 32 फिल्म फ्रॉम 11 कंट्रीज विल बी डिस्प्लेड, तो 11 देशों के, देखिए 10 देश तो हो गए आसियान के, आसियान के कितने मेंबर कंट्रीज है, 10 कंट्रीज मेंबर है, और यहां पर 11 मतलब 10 आसियान के मेंबर्स और 11वां कौन सा देश हो गया, इंडिया, तो 11 कंट्रीज की मूवीज जो है यहां पर प्रदर्शित की जाएगी, 32 फिल्म, और यहां पर फ्रेंडशिप थ्रू फिल्म जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। इसी के साथ क्विक फैक्ट्स ऑफ आसियान, तो आसियान स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को मिलाकर ये आसियान नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनता है। कौन कौन से देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। आसियान इज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर एज वेल एज एन एक्टिव ग्लोबल पार्टनर। हेडक्वार्टर कहां पर है आसियान का, जकार्ता इंडोनेशिया में, और ये फाउंडेड कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 को फाउंड किया गया था, कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर के, शीत युद्ध के असर को खत्म करने के लिए आसियान का गठन हुआ था, और कहीं ना कहीं ये उसको खत्म करने में या थोड़ा धीमा करने में सफल भी रहा था। तो आसियान बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका पूरा डिटेल आपके सामने। अगली खबर की तरफ चलते हैं, नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय खबर, अगली खबर, कैबिनेट नॉट टू ऑर्डिनेंस टू सेटअप कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन मणिपुर। कैबिनेट ने मणिपुर में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, मतलब देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पर ओपन होगा, कहां पर इनॉग्रेट किया जाएगा, मणिपुर में, जिसके लिए यूनियन कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है, एक बिल प्रपोज किया जिसके ऊपर ऑर्डिनेंस अध्यादेश लाया जाएगा। आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस वो लाया जाएगा, अध्यादेश, जिसके थ्रू मणिपुर के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, और यहां पर मणिपुर का नाम आया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मणिपुर के क्विक फैक्ट्स के बारे में जल्दी से बताइए, मणिपुर की कैपिटल, मणिपुर के सीएम का नाम, और मणिपुर में एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है उसका भी नाम जल्दी से बताइएगा। और इस खबर को थोड़ा डिटेल में हम करते हैं, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस टू सेटअप द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मणिपुर। लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद सेड अ बिल टू सेट अप द यूनिवर्सिटी इन इम्फाल वेस्ट इज ऑलरेडी पेंडिंग इन पार्लियामेंट। तो देखिए, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में इस नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। द प्रपोजल टू सेट अप द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मणिपुर वॉज इनिशियली अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्हाइल रुपीज 100 करोड़ फंड्स फॉर इट्स वर अलोकेटेड इन द 2014-15 बजट। तो 2014-15 के बजट में इस यूनिवर्सिटी के लिए ऑलरेडी 100 करोड़ का बजट जो है आवंटित किया गया था, एलोकेट किया गया था, जिसकी घोषणा नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। तो अगली खबर की तरफ जरूर चलेंगे, लेकिन यहां पर आप सभी का आंसर लेते हुए, अश्विन आनंद जी, गुंजन शर्मा, मनुवत्स, कुलदीप, हरजोत कौर संधू, बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन। इसी तरह से अगर आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसी तरह से लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सकें। कुछ सेगमेंट्स के बाद हम आपके सामने जरूर प्रस्तुत होंगे, किस चीज को लेकर, तो जी हां, आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे
क्विज को लेकर भी हम प्रस्तुत होंगे, तो जल्दी से हम आपके सामने जरूर आएंगे। और इसी के साथ मणिपुर का जो क्विक फैक्ट्स है वो भी हमारे सामने आ चुका है। तो मणिपुर की कैपिटल इज इम्फाल, मणिपुर के सीएम का नाम इज एन बीरेन सिंह, मणिपुर की गवर्नर का नाम नजमा हिप्तुल्ला, और मणिपुर के अंदर दुनिया का एकमात्र वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है लोकतक लेक के ऊपर केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज इन मणिपुर ऑन लोकतक लेक, विच इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो आगे चलेंगे अगली खबर की तरफ, नेशनल न्यूज की अगली खबर, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे ऑन 27 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मई को कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट इंटेंडेड टू रिलीव दिल्ली फ्रॉम ट्रैफिक कंजेशन ऑन 80 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो यहां पर दो स्टेट के नाम आए हैं, क्विक फैक्ट्स ऑफ हरियाणा करेंगे एंड क्विक फैक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। तो हरियाणा की कैपिटल इज चंडीगढ़, गवर्नर इज कप्तान सिंह सोलंकी, चीफ मिनिस्टर इज मनोहर लाल खट्टर फ्रॉम बीजेपी, लेजिस्लेचर इनका जो है वो है यूनिकेमरल, मतलब एक ही हाउस है स्टेट के अंदर, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा 90 सीट्स है। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा क्षेत्र की बात करें, तो राज्यसभा की 5 सीट्स है और लोकसभा की कितनी सीट्स है, तो लोकसभा की 10 सीट्स है यहां पर। और क्विक फैक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, कैपिटल इज लखनऊ, गवर्नर इज राम नायक, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड इन यूपी। तो दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड कहां पर है, यूपी के अंदर लोकेटेड है। इसी के साथ टेक्निकल टीम को मैं बोलूंगा कि वो यहां पर आकर इसकी मरम्मत कर दे, जो चीज है यहां पर जल्दी से आए और इसको ठीक करें, जिससे मैं स्टूडेंट्स के साथ जुड़ सकूं। और इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खबरों के बाद हम बढ़ेंगे इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। तो नीदरलैंड्स पीएम अराइव्स इन इंडिया, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे और ये बहुत बड़ी खबर है। देखते हैं कि कौन कौन सी बातों के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं, तो उनकी बातों को डिटेल में करेंगे। तो नीदरलैंड्स पीएम मार्क रूट नीदरलैंड के पीएम प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुके हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ नीदरलैंड मार्क रूट हैज अराइव्ड इन इंडिया फॉर अ 2-डे ऑफिशियल विजिट, 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वो भारत आए हैं। रूट इज स्केड्यूल्ड टू मीट अ बिजनेस डेलीगेशन एट होटल ताज डिप्लोमेटिक एंड देन पार्टिसिपेट इन द क्लीन गंगा इवेंट। तो वो सबसे पहले कहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो सबसे पहले वो होटल ताज जाएंगे, जहां पर वो बिजनेस लेवल की बातचीत करेंगे व्यवसायियों के साथ और ट्रेडर्स के साथ होटल ताज के अंदर। देन उसके बाद क्लीन गंगा इवेंट, जो गंगा की सफाई के लिए क्लीन गंगा इवेंट है, उसके अंदर भी इनकी पार्टिसिपेशन होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल मीट विद मार्क रूट एट हैदराबाद हाउस। हैदराबाद हाउस कहां पर है, दिल्ली के अंदर है, जहां पर उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना तय है। रूट विल आल्सो अटेंड अ सीईओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो गोलमेज सम्मेलन भी होगा वहां पर सीईओस के साथ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ। कहां पर, तो दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, अलोंग साइड पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। इसी के साथ क्विक फैक्ट्स ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड की कैपिटल इज एमस्टरडम, करेंसी इज यूरो, यूएसडी, डॉलर भी कहीं कहीं नीदरलैंड के अंदर डॉलर भी चलता है, लेकिन मेनली करेंसी है उनकी यूरो। ऑफिशियल लैंग्वेज इज डच। लेजिस्लेचर स्टेट्स जनरल अपर हाउस सीनेट बोलते हैं नीदरलैंड में, और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है नीदरलैंड के अंदर। देन अगली खबर भी नीदरलैंड से ही जुड़ी हुई है, इंडो डच स्टार्टअप इनिशिएटिव। तो अंतरराष्ट्रीय खबर के अंदर इंडो डच स्टार्टअप इनिशिएटिव, स्टार्टअप लिंक टू बी लॉन्च्ड। तो यहां पे मार्क रूट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, जो नीदरलैंड के पीएम हैं। तो इंडो डच स्टार्टअप पहल, स्टार्टअप लिंक की होगी शुरुआत। तो यहां पर इस खबर को थोड़ा डिटेल में करते हैं। डच पीएम विल बी अकंपनीड बाय द डच मिनिस्टर्स फॉर फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर एंड एग्रीकल्चर एंड फूड एंड ट्रेड डेलीगेशन कंप्राइजिंग 220 पार्टिसिपेंट्स, मेकिंग दिस द बिगेस्ट ट्रेड मिशन टू इंडिया एवर। तो मतलब नीदरलैंड के पीएम के साथ 220 जनों का एक दल होगा, जो अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करता है, पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा दल है नीदरलैंड की तरफ से, और एक बहुत बड़े मिशन के साथ यहां पर आए हैं, जहां पर वो बहुत बड़ा व्यापारिक रिश्ता और भी कोऑपरेशन जो है उनको लेकर आगे जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ व्यूअर्स बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं, और भी शेयर करते रहिए, और इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इन एन एंडेवर टू फर्दर द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन वेस्ट इंडिया, होस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव स्टार्टअप इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
देखिए स्टार्टअप लिंक जो है उसको प्रमोट करने के लिए जो स्टार्टअप इंडिया है, मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो न्यू इनोवेटिव आइडियाज के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां पर नीदरलैंड जो है भारत की मदद करेगा। एंड द डच गवर्नमेंट आर ज्वाइंटली लॉन्चिंग द इंडो डच स्टार्टअप लिंक इनिशिएटिव। ऑफिशियल लॉन्च विल टेक प्लेस ऑन 25 मई, मतलब आज ही के दिन इसका आधिकारिक लॉन्च जो है वो कहां से होगा, ताज वेस्ट एंड होटल बेंगलुरु से होगा। द इनिशिएटिव विल फुलफिल द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग मार्केट एक्सपेंशन। तो स्टार्टअप जो है उनका मार्केट एक्सपेंशन, बाजार के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव जो अप्रोच है वो लेकर आया जाएगा इन द टू कंट्रीज अलॉन्ग साइड फोस्टरिंग अ ज्वाइंट सेंस ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो किस तरह से नए विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा, इस चीज के ऊपर बात होगी स्टार्टअप लिंक के अंदर। तो कोडवर्ड क्या निकल कर आ रहा है, भारत और कौन सा देश स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए रिसेंटली समझौता किया है, तो योर आंसर वुड बी नीदरलैंड। तो आपको आंसर क्या देना है कि रिसेंटली भारत ने स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप लिंक नाम का जो समझौता साइन किया है वो किस देश के साथ किया है, तो उसका आंसर हो सकता है नीदरलैंड। आगे चलेंगे अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान होस्ट इट्स फर्स्ट SCO एंटी टेररिज्म मीटिंग इन इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अपनी पहली SCO आतंकवाद विरोधी बैठक आयोजित किया। तो यह खबर सुनकर थोड़ी हंसी भी लग सकती है आपको कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अपनी पहली SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आतंकवाद विरोधी बैठक आयोजित किया। देखिए यह खबर सुनकर थोड़ा हंसी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान पूरे विश्व में बदनाम है कि वो आतंकवाद को प्रमोट करता है, लेकिन यहां पर वो खुद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्यों एंटी टेररिज्म मीटिंग कर रहा है। तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ेगा एंड वी हैव टू बी न्यूट्रल, और हमें थोड़ा न्यूट्रल रहना पड़ेगा यहां पर, और ये बताना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के द्वारा आस्तीन में पाला गया सांप है जो अब उसे खुद डस रहा है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अपने आतंकवाद से त्रस्त है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है, तो पाकिस्तान को भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है कि किस तरह से वो अपने यहां से आतंकवाद को खत्म करे, जो उसके ऊपर दाग लगा है उसको मिटाने की कोशिश करे और आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो उसी फेहरिस्त के अंदर SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेररिज्म मीटिंग कहां पर हुआ है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। इस खबर को थोड़ा डिटेल में करते हैं। तो पाकिस्तान इज होस्टिंग अ 3-day शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स। SCO की एक टीम है, कमेटी है, जिसका नाम है रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग इन इस्लामाबाद। इट्स फर्स्ट एवर सिंस द कंट्री बिकेम अ मेंबर ऑफ SCO इन जून लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर 2017 में जून के अंदर जब अस्ताना, कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में ये मीटिंग हुई थी, तो इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम बिकेम द मेंबर ऑफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहली दफा मेंबर बने, और उस मेंबर बनने के बाद इस्लामाबाद में ये पहली एंटी टेररिज्म मीटिंग हो रही है SCO की, रैट्स की रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की। लीगल एक्सपर्ट्स फ्रॉम द 8 मेंबर स्टेट, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस संगठन के कितने देश है मेंबर, 8 देश, तो 8 देशों के 8 कंट्रीज के लीगल एक्सपर्ट्स जो है यहां पर जाएंगे, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान, ये 8 देशों के लीगल एक्सपर्ट्स को यहां पर बुलाया जाएगा, एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द SCO एंड रैट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी आर पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग, जो अपने इश्यूज को वहां पे रखेंगे, अपने रिकमेंडेशन को वहां पे रखेंगे और तमाम उन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे जिससे आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने में सफलता मिल सके इन सभी देशों को। द मूट इज बीइंग हेल्ड टू डिस्कस, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, मूट क्या है, मतलब यहां पर डिबेट का मुद्दा क्या है कि टेररिस्ट थ्रेट्स फेसिंग द रीजन एंड वेज एंड मींस टू एनहांस काउंटर टेररिज्म। तो हमारे पास साधन क्या है, हमारे पास रास्ता क्या है आतंकवाद को खत्म करने का, ये बातचीत की जाएगी SCO मेंबर स्टेट्स के मध्य। तो यहां पर आपको क्या याद रखना कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद जो है, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एंटी टेररिज्म मीटिंग को होस्ट कर रहा है, जहां पर सभी कंट्रीज की लीगल एक्सपर्ट्स जो है मौजूद रहेंगे। अपॉइंटमेंट सेगमेंट है हमारा नेक्स्ट, नियुक्तियां अपॉइंटमेंट। तो जस्टिस CK प्रसाद मौली अपॉइंटेड PCI चीफ फॉर सेकेंड टर्म। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दोबारा से, मतलब पहले भी यही थे और दोबारा से CK प्रसाद जी को, जस्टिस CK प्रसाद जी को चीफ बनाया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो न्यायमूर्ति CK प्रसाद मौली ने दूसरे कार्यकाल के लिए PCI प्रमुख नियुक्त किए गए हैं
और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज सी के प्रसाद हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर अ सेकेंड टर्म एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेट. तो हमारे इंडिया में प्रिंट मीडिया जो न्यूज पेपर है, प्रिंट मीडिया लिखित मीडिया जो है उसका रेगुलेटर है, उसका नियंत्रक है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. तो उनके हेड दोबारा से कौन बने हैं, सीके प्रसाद मौली. प्रसाद हेडेड द मीडिया वॉच डॉग फॉर 3 years फ्रॉम नवंबर 2014. ही हैड सक्सीडेड जस्टिस मार्कंडे काटजू. तो 2014 में ये 3 सालों के लिए अपनी पोस्ट पे आए हैं, दोबारा 3 सालों के लिए ये रीअपॉइंटेड किए गए हैं. जब ये 2014 में आए थे तो ये किनकी जगह पे आए थे, जस्टिस मार्कंडे काटजू की जगह पे आए थे और उनके बाद सीके प्रसाद मौली चल रहे हैं. अ 3-member कमेटी हेडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू विच मेट लास्ट वीक हैड गिवन इट्स नॉट फॉर अपॉइंटिंग प्रसाद एज द पीसीआई चीफ फॉर अ सेकेंड टर्म. तो यहां पर वेंकैया नायडू की कमेटी की अध्यक्षता में इनको दोबारा दूसरा टर्म जो है वो दिया गया. तो आपको क्या याद रखना है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम क्या है, सीके प्रसाद. देन बिजनेस न्यूज, व्यापार की खबरों की तरफ चलते हैं. मोबीक्विक लॉन्चेस यूपीआई ऑन प्लेटफॉर्म ऑफर्स ओन वीपीए हैंडल. मोबीक्विक ने प्लेटफॉर्म पर यूपीआई लॉन्च किया, अपने प्लेटफॉर्म पे यूपीआई यूनियन पेमेंट इंटरफेस जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है उसको लॉन्च किया और उन्होंने अपना वीपीए हैंडल जो है ना वो पेश किया. तो इस खबर को थोड़ा डिटेल में करते हैं. तो लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म, तो ये लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है. मोबीक्विक अनाउंस द लॉन्च ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म यूपीआई जिससे हम पैसे का लेन देन और ट्रांसफर करते हैं. ऑन इट्स प्लेटफॉर्म वाई इट्स ओन वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, तो उन्होंने खुद का अपना वीपीए लॉन्च किया, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस लॉन्च किया और उसका हैंडल क्या रखा है, @ikwik. तो यहां पर आई क्विक जो है उन्होंने अपना हैंडल का नाम रखा. तो मोबीक्विक यूजर बाय डिफॉल्ट यूज देयर मोबाइल नंबर एज देयर ओन वीपीए विच विल बी @ikwik. तो यहां पर जो ऑलरेडी मोबीक्विक को यूज कर रहे हैं तो वो इस हैंडल का इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल जो है वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के तौर पर कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ. दे विल आल्सो बी एबल टू लिंक मल्टीपल बैंक अकाउंट्स विद जस्ट वन वीपीए एंड यूजर्स कैन चेंज प्राइमरी अकाउंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स. तो यहां पर जो मोबाइल नंबर उनका मोबीक्विक के अंदर रजिस्टर होगा उसी के थ्रू वो वीपीए के ऊपर आ जाएंगे, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के ऊपर आ जाएंगे और उसी मोबाइल फोन के जरिए वो अपने बैंकों के अकाउंट्स को मेंटेन और लिंक भी कर सकते हैं, जो बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए, ज्यादा झंझट वाला काम नहीं रहेगा. देन मोबीक्विक इज द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री टू ऑफर यूपीआई एक्सेस टू अ ह्यूज बेस ऑफ 3 million मर्चेंट्स ऑन इट्स ऐप. तो मोबीक्विक जो है हमारे देश का पहला एक ऐसा ऐप है या आप कह सकते हैं इंडस्ट्री है जिन्होंने 3 million से ज्यादा मर्चेंट को ये फैसिलिटी अपने ऐप के ऊपर दी है जिससे उनको भरपूर फायदा मिलेगा. और मोबीक्विक एक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस ऐप है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, जिसको पहले गुड़गांव कहते थे, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर मोबीक्विक का हेडक्वार्टर है. आगे चलते हैं अग्रीमेंट की तरफ, समझौते की तरफ. नीति आयोग एंड एबीबी इंडिया साइन अ पैक्ट टू बेनिफिट इंडिया फ्रॉम एआई रोबोटिक्स. तो यहां पे नीति आयोग का नाम आया है तो जल्दी से नीति आयोग के क्विक फैक्ट्स के बारे में लिख दीजिए कि नीति आयोग का क्विक फैक्ट्स क्या है. तो नीति आयोग और एबीबी इंडिया साइन अ पैक्ट टू बेनिफिट इंडिया फ्रॉम एआई रोबोटिक्स. एआई का मतलब बार बार एआई वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम अपने एपिसोड्स में. एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स, मतलब अगला आने वाला जो जमाना है वो जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मतलब कंप्यूटर रोबोट्स और जितना भी ये कृत्रिम चीजें हैं इनकी अपनी बुद्धि हो और ये अपना डिसीजन और अपने लेवल पे सोच सके, ना कि ह्यूमन माइंड से ये रन हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने की कोशिश. तो एआई रोबोटिक्स से भारत को लाभ पहुंचाने के लिए नीति आयोग और एबीबी इंडिया ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं. देन नीति आयोग एंड एबीबी इंडिया, तो सबसे पहले तो नीति आयोग के बारे में आपको पता है, व्हाट इज एबीबी इंडिया. तो एबीबी इंडिया एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है. और ये किस चीज का काम करती है, पावर और ऑटोमेशन का काम करती है, टेक्नोलॉजिकल तकनीकी कंपनी है एबीबी. और एबीबी जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है उसका इंडिया वाले ब्रांच ने नीति आयोग के साथ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धि और रोबोटिक्स को, रोबोट का जो सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए दोनों ने समझौता किया है. तो हैव साइंड अ पैक्ट टू हेल्प द कंट्री डिराइव द बेनिफिट्स ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू वर्क टूगेदर टू रियलाइज द एम्बिशियस मेक इन इंडिया विजन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ
नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत के उपस्थिति में ये साइन किया गया। देखिए आज की 21वीं शताब्दी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। उसके मध्य में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को लेकर रिसेंटली किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। तो योर आंसर वुड बी एबीबी इंडिया। और एबीबी कहां की कंपनी है? स्विट्जरलैंड की कंपनी है, टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। तो नीति आयोग एंड एबीबी विल वर्क विद गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, सॉलिसिट फीडबैक फॉर एरियाज क्रिटिकल टू देम एंड डिस्कस सॉल्यूशंस यूजिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजीज। द इनिशिएटिव आल्सो कवर्स द फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो आज की डेट में जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है और डिजिटलाइजेशन है, तकनीक है, इन सभी चीजों को बढ़ावा देने के लिए एबीबी और नीति आयोग के बीच में ये समझौता हुआ है। और इसी के साथ क्विक फैक्ट्स ऑफ नीति आयोग। नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग जो 1950 में सेटअप हुआ था जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट पीएम के द्वारा। 1951 में फर्स्ट प्लान आया था भारत का, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया कुछ खामियां बताने के बाद, और उन्होंने उसी के जगह पर नया एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम रखा नीति आयोग। नीति का भी अर्थ हिंदी में प्लान ही होता है, योजना होता है, लेकिन नीति का फुल फॉर्म भी रखा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये कब आया था, कब फॉर्म हुआ? 1 जनवरी 2015 को फॉर्म किया गया नीति आयोग को। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार, जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, जो बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर है। ज्यूरिसडिक्शन कहां पर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? न्यू दिल्ली। और चेयरमैन कौन होते हैं प्लानिंग कमीशन के भी और नीति आयोग के भी? तो पीएम, ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो पीएम। तो नरेंद्र मोदी इज द करंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। आगे चलेंगे रैंक्स की तरफ, श्रेणी की तरफ। इंडिया स्टैंड्स 44th इन कॉम्पिटिटिव रैंकिंग्स यूएसए टॉप्स। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धी रैंकिंग में भारत को 44वां स्थान मिला है और यूएसए जो है वो शीर्ष स्थान पर है। तो आगे चलते हैं। इंडिया रोज वन प्लेस टू 44th दिस ईयर इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग आउट ऑफ 63 कंट्रीज दैट वर रैंक बाय द आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। तो ये किनके द्वारा ये रिपोर्ट पेश किया गया, प्रतिस्पर्धी रैंकिंग, कॉम्पिटिटिव रैंकिंग, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा? इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम द 40th पोजिशन इन 2013 एंड ड्रॉप टू 44th रैंक इन 2014। India's rank remained at 44 in 2015 and jumped 4 places to 41 in 2016, dropping to 45 in 2017 and rising to 44 in 2018. In contrast, China bagged the 13th rank in 2018 as compared to the 18th rank in 2016. So China, hamara padosi mulk jo hai, wo kis rank pe hai? 13th rank pe. India kaun se rank pe hai? 44th रैंक पर। और नंबर वन पे है यूएसए, नंबर सेकंड हांगकांग, थर्ड सिंगापुर, नीदरलैंड फोर्थ और फिफ्थ पे स्विट्जरलैंड। तो ये प्रतिस्पर्धी रैंकिंग का मतलब क्या है कि आपके इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का कैसा माहौल है, किस तरह से कंपनीज एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं, रूल्स रेगुलेशंस लॉस कानून कैसे हैं जिससे उन कंपनीज को सहायता मिलती है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी कहीं ना कहीं लिया जा सकता है कि बिजनेस करना आपकी इकोनॉमी में कितना आसान है और कितने इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी की तरफ और आपकी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट होते हैं निवेश करने के लिए। इन सभी मानकों के ऊपर इंडिया का रैंक 44th, नंबर वन पे यूएसए और हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना ऑन 13th पोजिशन। और ये किसके द्वारा निकाला गया? क्विक फैक्ट्स ऑफ आईएमडी कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा निकाला गया। तो आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और आईएमडी का सेंटर कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1990 में। देन अवार्ड्स की तरफ चलेंगे, पुरस्कार की तरफ। नारी शक्ति पुरस्कार 2017 प्रेजेंटेड टू आईएनएसवी तारिणी टीम। और आईएनएसवी तारिणी टीम को नारी शक्ति पुरस्कार 2017 प्रस्तुत किया गया। देखिए नारी शक्ति सम्मान तो वैसे इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को प्रेजेंट किया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर हमारी वुमेन डेवलपमेंट और चाइल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन आपको पता है कि तारिणी टीम जो है, आईएनएसवी तारिणी टीम जो है वो सरकम नेविगेटिंग मतलब पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकली थी और अभी कुछ दिन पहले ही वो दोबारा भारत पहुंची है। मतलब पूरी महिला टीम आईएनएस के ऊपर, इंडियन नेवल शिप के ऊपर, जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए गई थी और पूरी महिलाओं की टीम, और वो अभी रिसेंटली भारत पहुंची है। तो यहां पे आईएनएसवी तारिणी टीम को ये अवार्ड दिया गया है, नारी शक्ति पुरस्कार। तो मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती
मेनका संजय गांधी प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस नारी शक्ति पुरस्कार 2017 टू द मेंबर्स ऑफ INSV तारिणी टीम इन न्यू दिल्ली. द सिक्स मेंबर ऑल वुमेन टीम, देखिए जैसा मैंने बताया पूरी की पूरी महिलाओं की टीम इन न्यू दिल्ली. द सिक्स मेंबर ऑल वुमेन टीम लेड बाय लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि INSV तारिणी टीम की हेड कौन थी, तो वर्तिका जोशी हैव रिसीव्ड द पुरस्कार फ्रॉम द मिनिस्टर. द क्रू ऑफ द इंडियन नेवी सेलिंग वेसल तारिणी इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेवीज यूनिक प्रोजेक्ट नविका सागर परिक्रमा. तो ये किस प्रोजेक्ट के अंदर पूरे ग्लोब का चक्कर लगा रही थी, तो उस प्रोजेक्ट का नाम था नविका सागर परिक्रमा एंड ऑल वुमेन टीम सरकम नेविगेटिंग द ग्लोब प्रमोटिंग ओशियन सेलिंग एक्टिविटीज इन द नेवी एंड डिपिक्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट. और इन्होंने किस चीज को, तो ओशियन सेलिंग को प्रमोट करने के लिए और महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार का जो एक उद्देश्य है इसको लेकर इन्होंने पूरे ग्लोब का चक्कर लगाया और लास्ट ईयर जिसकी शुरुआत करी थी और इस साल अभी कुछ दिन पहले ही वो इंडिया पहुंची हैं, तो उसी का सम्मान किया गया नारी शक्ति पुरस्कार देकर हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा, मेनका गांधी जी के द्वारा. और मिसलेनियस अन्य समाचार की तरफ बढ़ेंगे, ये आखिरी न्यूज है और इसके बाद हम आपके फेवरेट जोन की तरफ चलेंगे, दैट इज क्विज. तो जरूर तैयार रहिएगा. सुशांत सिंह राजपूत, वेरी हैंडसम एक्टर जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रोल प्ले किया था MSD मूवी के अंदर, सुशांत सिंह राजपूत टू प्रमोट टू मेजर इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग. सुशांत सिंह राजपूत नीति आयोग की दो प्रमुख पहलों को बढ़ावा देंगे, मतलब एम्बेसडर कह सकते हैं आप, एडवर्टाइज करेंगे उन दो पहल को, दो इनिशिएटिव को ऑफ नीति आयोग. और यहां पर नीति आयोग एंड सुशांत सिंह राजपूत हैव डिसाइडेड टू कोलैबोरेट टुवर्ड्स प्रमोटिंग टू मेजर इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, प्रमोशन ऑफ भीम एंड द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म. तो भीम ऐप है, भीम का फटाफट फुल फॉर्म बताइए, व्हाट डज भीम स्टैंड्स फॉर, BHIM भीम का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइएगा. तो यहां पर नीति आयोग के दो मेजर इनिशिएटिव, दो मेजर पहल को यहां पर सुशांत सिंह राजपूत जो है वो प्रमोट करेंगे अपने स्टारडम के थ्रू. और वो कौन सा प्रमोशन होगा, भीम का प्रमोशन होगा और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, मतलब महिलाएं जो है वो भी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप में आगे जाएं उसके लिए ये प्रमोट करेंगे. तो मिस्टर राजपूत हैड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद नीति आयोग, द अग्रीमेंट वुड बी साइंड बाय श्री राजपूत विद मिस अन्ना रॉय एडवाइजर नीति आयोग इन द प्रेजेंस ऑफ श्री अमिताभ कांत CEO नीति आयोग. तो नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के उपस्थिति में ये जो साइन किया गया है अग्रीमेंट बिटवीन सुशांत सिंह राजपूत फेमस एक्टर एंड नीति आयोग. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एक्टर जो है रिसेंटली भीम ऐप और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग को प्रमोट करेंगे. तो वेरियस ऑप्शंस हो सकते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत जो है आपका राइट आंसर होगा. और यहां पर बहुत खूब आप सभी के द्वारा, और यहां पर भारत इंटरफेस फॉर मनी, बिल्कुल सही, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर, BR अंबेडकर जी के नाम पर ये नाम रखा गया भीम ऐप, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी है भारत इंटरफेस फॉर मनी. बहुत खूब आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा इसका उत्तर. और इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं अपने क्विज सेक्शन की तरफ, लेकिन एक वादे के साथ कि आप आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे जैसा आप अभी कर रहे हैं. और बिल्कुल यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कीप काम एंड लेट्स प्ले क्विज, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 13 बिटवीन इंडिया एंड नेपाल विल बी कंडक्टेड एट विच प्लेस. भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, इज इट गोरखपुर, जैसलमेर, पिथौरगढ़ या सलजीहांडी. तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा. बहुत खूब, संतोष साहू का पहला उत्तर आ चुका है. इसी के साथ हरजोत कौर संधु, अश्विन आनंद, मामुनी, पूजा, उमंग, बहुत बढ़िया सभी स्टूडेंट, उमेश कुमार, हरकिरण, संजू, गुंजन, आरजू, पलक, प्रिंस, नीरज, अंकित, पार्थो, प्रेमिला, साहिल, रोशन, मानसा, तन्मय, डिंपल, राकेश, सुमन, बहुत खूब आप सभी का उत्तर. और इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज पिथौरागढ़ इज द करेक्ट आंसर. पिथौरागढ़ उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी. सेकंड क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विल कम अप इन विच स्टेट. भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा, असम, यूपी, मणिपुर या सिक्किम. मुलायम सिंह, पार्थ शर्मा, दीपक रजक, गुलशन कुमार, डिवाइन सॉल, कृष्णकांत शर्मा, लकी सिंह, मनु वत्स, आरजू सिंह, SKS सुनील शाह, रेलवे GK अमनपुरी, त्रिलोक सिंह, साहिल, कैलाश साहू, संतोष साहू, लकी सिंह. बहुत खूब आप सभी का उत्तर यहां पर. हाजिर अली, राकेश, पलक बांसल, बहुत बढ़िया आप सभी का.
उत्तर और पार्टिसिपेशन बहुत खूब, और सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, विच कंट्री इज होस्टिंग इट्स फर्स्ट एवर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर SCO RATS, कौन सा देश अपने पहले शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की मेजबानी कर रहा है, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया या तजाकिस्तान। बहुत खूब, यहां पर संजू मीना, आरजू त्रिलोक, सुमन, रजनीश, सुश्रिता, हरजोत कौर, संधु, संदीप शर्मा, आप सभी का, के जयराम, डोरा, उमंग, सैडन बॉय, बहुत बढ़िया, आप दीक्षा, डीपी दिनेश, बहुत बढ़िया, आप सभी का नाम जो है बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, और लेकिन आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत खूब, बार बार मैं ये कहता रहता हूं। और थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में ये SCO एंटी टेररिज्म मीटिंग जो है वो आयोजित किया गया। फोर्थ क्वेश्चन, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड अ पैक्ट विद ABB इंडिया टू बेनिफिट कंट्री फ्रॉम AI एंड रोबोटिक्स, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को देश को लाभ पहुंचाने के लिए हाल ही में किस भारतीय संगठन ने ABB इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत खूब, यहां पर आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, इसी तरह से इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सके। और कुछ क्वेश्चंस और रह चुके हैं हमारे पास, और ये बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन यहां पर। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, नीति आयोग इज द करेक्ट आंसर। तो इसी अंदाज में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कंपेटिटिव एग्जाम में। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन 2018 IMD's कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, 2018 IMD की प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है, इज इट 54th, 44th, 35th या 26th, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन, इसी तरह से अंकित राघव, संदीप शर्मा, जीतू दौरा, पार्थो, लकी, सैम हार्डी, अश्विन आनंद, नीरज दहिया, प्रिंस हाजी, बहुत बढ़िया आप सभी का, सुष्मिता हल्दर, साहिल ठाकुर, बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन, बहुत बढ़िया तन्मय कबीराज, आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया। और यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन का भी राइट आंसर आना शुरू हो चुका है, और बी इज द करेक्ट आंसर, 44th इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड USOF to provide mobile connectivity in left-wing extremism areas. What does USOF stands for? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में वामपंथी अतिवाद क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए USOF को मंजूरी दे दी है। USOF का अर्थ क्या है? मैं मानता हूं कि आज के सेशन में ये वाला पॉइंट नहीं था, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमारे सेशन में नहीं होते लेकिन बहुत जरूरी होने के कारण उसको क्विज में हम जरूर शामिल करते हैं। तो जल्दी से बताइएगा USOF का फुल फॉर्म। और यहां पर सिक्स्थ क्वेश्चन का भी उत्तर आना शुरू हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा, ज्योति रंजन, नीरज, मानसा रेड्डी, आरजू, मनीष पाल, सुश्रिता मुंड, राकेश, बॉबी समल, पूजा चौहान, रोशन त्रिपाठी, सौभाग्य रंजन, संतोष साहू, सौम्या शुचि, लिपि समल, हिमबंधु बेहरा, दीपक रजाक, कौशल लालूरी, आप सभी का उत्तर देखते हैं सही है या गलत है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स बी और ए भी बोल रहे थे, लेकिन द राइट आंसर इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो ऑब्लिगेशन और ऑफरिंग में थोड़ा कंफ्यूजन था, कोई बात नहीं, द राइट आंसर इज ए, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इज द करेक्ट आंसर। देन सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत की प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, सीके प्रसाद, आर बानुमती, मदन लोकुर या कुरियन जोसेफ, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ऋचा सिंह, शीतल कुमारी, स्वीटी वर्मा, संदीप, नरेश, पप्पू कुमार, कृष्णकांत शर्मा, पार्थ शर्मा, आप सभी का उत्तर जो है बहुत खूब यहां पर। और सातवें क्वेश्चन का भी राइट आंसर यहां पर आना शुरू हो चुका है, और बहुत बढ़िया आप सभी का उत्तर, और राइट आंसर इज सीके प्रसाद जो है इज द न्यू चीफ ऑफ चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। आठवें क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द आशियान फिल्म फेस्टिवल 2018, निम्नलिखित में से कौन सा देश आशियान फिल्म
त्योहार फेस्टिवल 2018 की मेजबानी करेगा? इज इट फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया या इंडिया? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। हरजोत कौर संधू, मुलायम सिंह, गोपीनाथ राणा, पार्थ शर्मा, नरेश पार्थो, प्रिंस हाजी, आरजी प्रेमिला देशमुख, सुष्मिता हल्दर, साहिल ठाकुर, रोहित गुप्ता, आप प्रदीप कुमार, आप सभी का उत्तर है बहुत सही। और एट क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नौवें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज डिसइनवाइटेड व्हिच कंट्री फ्रॉम रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज? संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रशांत के रिम व्यायाम से किस देश को त्याग दिया है? तो इनका एक रिम एक्सरसाइज होता है प्रशांत महासागर के अंदर, उसमें से किस देश को बाहर निकाल दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। बहुत खूब, ये बहुत इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बहुत बड़ी खबर हो सकती है। जैसे कल रात को सबसे बड़ी खबर ये आई कि 12 जून को जो मीटिंग होनी थी बिटवीन नॉर्थ कोरिया के किंग किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के मध्य सिंगापुर के अंदर, उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। 12 जून, अंतरराष्ट्रीय खबर, बहुत बड़ी खबर कि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के मध्य जो मीटिंग होने वाली थी वो भी कैंसिल हो चुका है। लेकिन आपको नौवे क्वेश्चन का आंसर देना है और नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं कि क्या है। और नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज चाइना इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज चाइना। तो जरूर इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और इसके आंसर को भी भूलिएगा मत। और दसवें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन रिम पैक फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? भारत ने इसी एक्सरसाइज के अंदर पहली बार कब भाग लिया था? रिम पैक के अंदर भारत ने पहली दफा कब पार्टिसिपेट किया था, किस ईयर में किया था? ऐसे क्वेश्चंस एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हायर लेवल के एग्जाम्स के लिए, आपका सिविल सर्विस का भी एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जरूर गौर फरमाइएगा ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर। और अलग अलग उत्तर आ रहा है सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। और राइट आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या होगा। और यहां पर अलग अलग उत्तर के मध्य 2015-2016 के ऊपर ज्यादा जो है वो गेसेस लग रहे हैं। और 2016 इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज 2016। जिन्होंने 2016 आंसर बोला बहुत खूब, और जिन्होंने 2015 बोला वो प्लीज अपने आप को सही करिए। और 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी जो है उसे रखिए, 2016। 11th क्वेश्चन की तरफ, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नीदरलैंड? नीदरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। नीदरलैंड के पीएम का नाम बताना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड। एक्चुअल में नीदरलैंड के राष्ट्रपति नहीं होते हैं, नीदरलैंड में किंग और क्वीन का राज है, तो वहां पर नीदरलैंड भी मोनार्की के अंदर आता है, तो नीदरलैंड के राष्ट्रपति कोई नहीं होंगे। लेकिन नीदरलैंड के पीएम का नाम बताना है, ये टेक्निकल एरर हो सकती है, लेकिन आपको बताना है नीदरलैंड के पीएम का नाम, हु इज द पीएम ऑफ नीदरलैंड? प्रधानमंत्री बताइए जल्दी से कौन है नीदरलैंड के, जल्दी से। मैंने कारण बता दिया, टेक्निकल एरर हो सकता है, नीदरलैंड के पीएम का नाम बताइए यहां पर क्या है। और इसका राइट आंसर आपको देना है, मार्क रूट इज द करेक्ट आंसर। तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी, दैट इज मार्क रूट इज द करेक्ट आंसर। बहुत खूब आप सभी का आंसर यहां पर। और हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज आर देयर इन द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? तो ये अंतिम क्वेश्चन है और आपको बताना है कि आसियान के कितने मेंबर कंट्रीज हैं, आसियान के कितने मेंबर कंट्रीज हैं। इसका आंसर के साथ ही आज का खूबसूरत सेशन जो है, वंडरफुल सेशन जो है, वो अपने अंत की तरफ आ चुका है। बिल्कुल संतोष साहू जी, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके सीडीएसई एग्जाम के लिए और उन तमाम एग्जाम्स के लिए जहां पर करंट अफेयर्स के आने की संभावना रहती है। बिल्कुल सही रहेगा आप सभी के लिए, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसी के साथ 12th क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है। और राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का, 10 मेंबर कंट्रीज है, 10 मेंबर सदस्य जो है वो है आसियान के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसी के साथ हमारा आज का शो जो है वो समाप्त होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज है और एक मोटिवेशनल मैसेज है, और वो क्या है आपके लिए? अ पेसिमिस्ट सीज द डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। जो निराशावादी लोग होते हैं वो हर मौकों में समस्या देखते हैं, डिफिकल्टी देखते हैं। एंड ऑप्टिमिस्ट, और एक आशावादी जो होता है वो हर एक मौके में क्या देखता है, तो सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी, तो हर समस्या में वो एक मौका देखता है। निराशावादी लोग जो है वो मौकों में समस्या देखते हैं, और आशावादी लोग जो है वो समस्या में मौकों को उत्पन्न करते हैं और उसका भरपूर फायदा ले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी आशावादी बनिएगा और आने वाले जितने भी एग्जाम है उनको फोर डालिएगा और जरूर क्लियर करिएगा। इसी के साथ आपका
दिन जो है मंगलमय हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।